हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा पर स्वागत है। और आप सब लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस और ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी को पढ़ेंगे और इसी के साथ ही आज आपका यूनिट 1 समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। यदि आप स्लाइड को देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे सपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर साथ ही साथ स्ट्रक्चरल मेंबर के बारे में डिटरमिनेसी आपको हमने बता रखा था, दो तरीके की होती है, स्टैटिक और किनेमेटिक। और स्टैटिक में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिटरमिनेसी को बता रखा है। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी का फार्मूला ये है, DSA इक्वल टू R माइनस S, जहाँ पे R आपका था टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन और S आपका था नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। साथ ही साथ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए हमने आपको बता रखा था कि आप बीम में किस प्रकार से निकालेंगे, साथ ही साथ ट्रस में कैसे निकालेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेम में कैसे निकालेंगे। तो फ्रेम में निकालने के लिए हमने आपको बता रखा था कि आप जो भी फ्रेम रहेगा फ्रेम को आप काटेंगे, ठीक, उसमें कट लगाएंगे। कट आपको ऐसे लगाना है कि जितने भी उसमें मेंबर्स हैं सब स्टेबल कंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दें। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ फ्रेम में निकालना सीख चुके थे, तो आज ही उसी के साथ करेंगे कुछ क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस ये रहा आप लोगों के साथ पहला, और इस क्वेश्चंस में आपको करना है कैलकुलेट, DSE और DSI। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो आपको कैलकुलेट करना है DS और DSE, DSI। तो सबसे पहले हम लोग DS को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लगाएंगे इसमें कट। तो कट आपको कुछ इस प्रकार से लगाना है कि आपके जितने भी मेंबर हैं सब स्टेबल कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखिए, यहाँ से यदि इसको काटें कुछ ऐसे, तो ये इतना वाला पार्ट जो है ये आपका कैंटिलीवर हो गया, और यहाँ से ऐसे कट करें तो ये वाला जो दूसरा है, दूसरा मेंबर, ये भी आपका स्टेबल कैंटिलीवर हो गया, और यहाँ से तीसरे वाले को कट करें तो ये भी आपका पूरा स्टेबल कैंटिलीवर हो गया। इसी प्रकार से चौथा वाला भी हो गया। तो DS का जो फार्मूला हमने बता रखा था क्या था, 3C। साथ ही साथ माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए हम लोगों को बनाना है कैंटिलीवर, स्टेबल कैंटिलीवर। तो यहाँ पर देखिए कितने कट लगा चुके हैं हम लोग, तो देखेंगे आप कि 6 कट लगा चुके हैं। लेकिन 6 कट लगाने के बाद आप इस वाले मेंबर को यदि देखना चाहें, इस वाले मेंबर को, तो ये मेंबर का कुछ ये बीडे आपका इस तरीके से बनेगा, और आप यदि इस पर कुछ इधर से ऐसे फोर्स लगाएंगे इफ़ डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है पूरा ऐसे करके इसमें मोमेंट आएगा और ये स्ट्रक्चर आपका फेल कर जाएगा। तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा कि ये स्ट्रक्चर अपना फेल न करें, तो इसके लिए हम लोग एक इधर से दे देंगे मोमेंट, ताकि जब फोर्स लगाएं तो ये स्ट्रक्चर आपका फेल न करें। तो यदि इधर से एक मोमेंट इसमें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे एक रिएक्शन का आपको ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए 3C माइनस, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड टू मेक इट स्टेबल कैंटिलीवर बीम। तो यदि इसमें आप इधर से एक मोमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये मिड वाला स्ट्रक्चर, ये भी आपका कैंटिलीवर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। साथ ही साथ यदि आप यहाँ पे इस वाले सपोर्ट को देखना चालू करें आप, ये जो आपके पास है कुछ, तो इसमें क्या है, इसमें यदि आप फोर्स लगाएंगे तो ये आपका इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यदि आप इधर से फोर्स लगाएं तो ऐसे मूव कर जाएगा, साथ ही साथ ये आपका रोटेट भी कर सकता है, इसमें मोमेंट भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो रिएक्शंस की ज़रूरत है, ठीक, तो दो रिएक्शन हम लोग इसमें ऐड करेंगे। एक तो आप इधर से आप इसमें मोमेंट ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ दूसरा आप इधर से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने देने की ज़रूरत है, दो, यहाँ पे एक,
और ये इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सियल थ्रस्ट रिलीज। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपका जो थ्रस्ट है वो रिलीज हो रहा है एक्सियल डायरेक्शन में। मीन्स यदि आप फोर्स लगाएंगे तो ये आपका कुछ ऐसे मूव करेगा तो थ्रस्ट को रिलीज कर देगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को कितने सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, एक सपोर्ट को। तो टोटल हम लोगों को इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए कितने सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो 1 + 2 + 1 मीन्स 4 सपोर्ट की हम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 18 - 4, दैट विल बिकम 14। तो इसका जो डीएस है, डीएस क्या है आपका, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। ये आपका स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। तो डीएस हम लोग कैलकुलेट कर लिए, इसका स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब दूसरा हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हम लोग डीएसई को कैलकुलेट करेंगे। तो डीएसई क्या होता है आपका, डीएसई कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको सबसे पहले में ही फार्मूला बता रखा था। डीएसई का फार्मूला बहुत ही सिंपल होता है, डीएसई हर एक जगह के लिए वैलिड है। तो डीएसई का जो फार्मूला था, डीएसई ये है आर माइनस एस। आर आपका आर आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन है, एस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर यदि आप रिएक्शंस देखना स्टार्ट करें, ठीक, यदि आप यहाँ पर रिएक्शंस को देखना स्टार्ट करें तो एक रिएक्शन इसमें इधर आएगा, ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन में, एक रिएक्शन इसमें आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक इसमें मोमेंट आएगा। मीन्स यहाँ से आपको 3 रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। और यदि आप इस पे देखेंगे तो यहाँ से आपको 2 रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, यहाँ से आपको 2 रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। एक आपको इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि यदि आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ये सेटल नहीं होगा, यहाँ से आपके पास सपोर्ट है। दूसरा इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे आपको 2 सपोर्ट। तो यहाँ से आपको 2 सपोर्ट हो गया। इसमें क्या है, इसमें एक ही सपोर्ट आपको मिलेगा, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में मिलेगा। तो एक ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। यहाँ पर अब भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आपके पास एक वर्टिकल के लिए मिलेगा, साथ ही साथ इसमें आपको मोमेंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 मिल जाएंगे। तो टोटल यदि आप यहाँ देखना चाहें तो आपके पास कितने हैं, 3 + 2 + 1 + 2 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सो वी हैव इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3, समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, एंड समेशन m एट एनी पॉइंट, मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 + 1, तो ये आपके पास आ गया 5। तो DSE आप लोगों के पास जो आ गया ये आपका 5 निकल के चला आया। तो जब DS मिल गया हम लोगों को और DSE मिल गया, तो हम लोग DSI निकाल लेंगे। मतलब ये कि जब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी टोटल मिल गई और साथ ही साथ आपको एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी मिल गई, तो हम लोग इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को निकाल सकते हैं। तो DSI ये क्या है, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, DS - DSE। तो DS हम लोगों के पास है 14 माइनस DSE है 5, तो DSI आ गया आपके पास 9। तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये यदि क्वेश्चंस आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि DS, DSE, DSI तीनों कैलकुलेट करो, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। ये जो हम रेड कलर का सर्कल मारे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपका इंटरनल हिंज लगा है, ठीक। ये जो है ये आपके पास है इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज है। इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है आपको, DS, DSE और DSI।
तो सबसे पहले हम लोग डीएस कैलकुलेट करेंगे। डीएस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कि इसमें कितने कट लगाने हैं। तो यहाँ से आप काफ़ी इजीली से देख पा रहे होंगे कि एक कट यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 3C माइनस आपके पास जो पीछे लिख रखे थे हम, क्या लिखे थे, नंबर ऑफ रिएक्शन एडेड टू मेक इट स्टेबल कैंटिलीवर। तो 3 × 9 माइनस, देखिए ये यहाँ से सही है, इसमें कोई एक भी सपोर्ट जोड़ने की ज़रूरत नहीं, एक भी रिएक्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक ऐड करने की ज़रूरत है, वो कौन सा, मोमेंट वाले, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक मोमेंट को ऐड करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से आपके पास एक मोमेंट आ गया। यहाँ पे आपको दो ऐड करने की ज़रूरत है, एक इस डायरेक्शन में और एक मोमेंट, तो यहाँ से आपके पास दो आ गया। और इसमें भी आपको एक ऐड करने की ज़रूरत है, वो भी कुछ इस डायरेक्शन से। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास कितने आ गए, 1 + 2 + 1 साथ ही साथ। ये जो आपके हिंज हैं, ये हिंज क्या हैं, ये भी आपका जैसे कुछ ऐसे ये हो गया, जैसे यहाँ से हमने आपका पेन है, यदि इसको यहाँ से यदि हम हिंज कर देंगे तो इस पर यदि हम फोर्स लगाएंगे तो देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से मूव कर जा रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों को भी एक इधर से मोमेंट देने की ज़रूरत है, ताकि इधर यदि ऐसे फोर्स लगाएँ हम, ठीक, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव ना करें। तो इसके लिए हम आपको इसका थोड़ा सा FBD बना के दिखाते हैं, सिर्फ इस वाले एक पार्ट का। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे आपका इंटरनल हिंज है, ये इंटरनल हिंज है, और एक मेंबर आपका इधर से ऐसे ऐड है, ठीक। तो यदि आप इस पे फोर्स लगाएंगे, ठीक, यदि आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जब हिंज है तो ये आपका जो मेंबर है ये कुछ यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगा, इस तरीके से मूव करेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों को एक एडिशनल मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप यहाँ से ऐसे फोर्स लगाते हैं तो ये ऐसे कुछ मूव कर जाएगा, तो ये अनस्टेबल में है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हम लोगों को एक मोमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ यहाँ यहाँ वाला भी मेंबर यदि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये भी ऐसे कुछ मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो इसको भी रोकने के लिए ज़रूरत है हम लोगों के पास। तो यहाँ हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, दो मोमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक, दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे, और वो आपके दो रिएक्शंस कुछ इस तरीके से ऐड होंगे। एक तो आपका देख सकते हैं आप यदि एक हम लोग ऐसे ऐड कर दें, ठीक, तो यहाँ से ये इसका मूवमेंट रुक जाएगा इस वाले मेंबर का ऐसे ऐसे, और यदि यहाँ से ऐड करें तो इस वाले मेंबर का रुक जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को दो ऐड करना है, यहाँ पे हम लोगों को दो ऐड करना है। यदि आप इस वाले पार्ट को हम लोग पकड़ें, ठीक, इस वाले मेंबर को जो ये मिडल वाले में मेंबर है, तो इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे चार मेंबर हैं। तो एक आपका जो मेंबर है ये आपका कुछ यदि फोर्स लग रहा है तो कुछ ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक, तो इसको रोकने के लिए एक इस वाले मेंबर को रोकने के लिए एक ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ इस वाले मेंबर को रोकने के लिए एक ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको टोटली तीन रिएक्शंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, दो रिएक्शंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, तीन रिएक्शंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, और ये वाला आपका जो है ऐसे ना मूव कर जाए, इसको रोकने के लिए आपको एक रिएक्शंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटली कितने रिएक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप लिखेंगे 2 + 3 + 1, ये आपका हिंज के कारण आए हैं, ठीक, ये जो रिएक्शंस हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं ये हिंज के लिए ऐड कर रहे हैं, इस चीज़ को हिंज के लिए ऐड कर रहे हैं। तो अब यदि आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास हो गया 18 माइनस, ये आपके पास हो गया 3 4 6 9 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो जो DS की वैल्यू है, DS की वैल्यू निकल के आ गई 8।
तो जब डी एस की वैल्यू आ गई निकल करके 8, तो हम लोग डी एस ई को निकाल लेंगे। डी एस क्या है आपका, कमेंट में आप लोग बताएं कि डी एस क्या है, और डी एस ई की वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डी एस ई आपका क्या है, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिकेटर में एसी है। इसके लिए वही यूनिवर्सल फार्मूला आर माइनस एस, आर आपके पास जो है नंबर्स ऑफ रिएक्शंस हैं, यस आपका जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो यदि आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये एक ए आ गया, एक दो तीन, तीन पे यहाँ पे आ गए तीन रिएक्शंस, और दो रिएक्शंस यहाँ पे आ गए, एक रिएक्शंस यहाँ पे आ गया, और साथ ही साथ एक रिएक्शन और एक मोमेंट यहाँ पे आ गया दो। तो इसको यदि आप ऐड करें तो क्या हो गया, 3 + 2 + 1 + 2 - 3, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, 5, 6 and 8 - 3, और ये हो जाएगा आपके पास 5। तो डी एस ई आ गया 5। जब डी एस ई 5 आ गया तो डी एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस माइनस डी एस ई, तो ये हो गया 8 - 5, तो ये निकल करके आ गया 3। 3 का मतलब क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक, जो स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, जो फ्रेम बना रखा है, ये 3 डिग्री से इंटरनली इंडिटर्मिनेट है। मीन्स इसका यदि आप इंटरनल फोर्स निकालना स्टार्ट करें, जैसे मेंबर्स को कट करें और देखें कि इसमें शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स और जो इसमें मोमेंट आ रहे हैं, तो ऐसे 3 फोर्स होंगे जिनको आप इनकी हेल्प से नहीं निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को लगा करके आप 3 को नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कि 3 डिग्री से इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। और यहाँ डी 8 का मतलब ये क्या है, डी एस इक्वल टू 8 का मतलब ये है कि ये 8 डिग्री से पूरा स्टैटिकली, जो स्टैटिक कंडीशन में है, ये इनडिटर्मिनेट है। और यदि 5 की बात करें तो 5 डिग्री से ये एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है। तो इसका ये मतलब होता है। और एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग किनामेटिक इंडिटर्मिनेसी को स्टार्ट कर देंगे। ये जो है आपके पास, इसको बोलते हैं हम लोग 3D फ्रेम है, ये जो है ये 3D फ्रेम है। तो 3D फ्रेम में कुछ भी हम लोगों को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2D में क्या हो रहा था, 2D में एक मेंबर को कट कर रहे थे हम लोग, तो कट करने के बाद उसमें कितने आ रहे थे, जैसे जो 2D था, 2D फ्रेम था, जैसे ये आपके पास हो गया कोई एक 2D फ्रेम। तो जब 2D फ्रेम के हम किसी भी मेंबर को हम लोग कट कर रहे थे, इस तरीके से जब इस मेंबर को हम लोग कट कर रहे थे, ठीक, तो कट करने के बाद क्या आ रहा था, तो कट करने के बाद इसमें क्या आ रहा था, इसमें हम लोगों के पास जो आ रहा था, एक हम लोगों के पास एक्सियल फोर्स आ रहा था और एक हम लोगों के पास शियर फोर्स आ रहा था, और एक जो था वो मोमेंट कुछ इस तरीके से आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक। तो 3 इसमें आ रहे थे, एक शियर फोर्स आ रहा था, एक एक्सियल फोर्स आ रहा था, एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। यदि किसी भी हम लोग 2D मेंबर को कट कर रहे थे, 2D फ्रेम को कट कर रहे थे, तो उसमें 3 इंटरनल फोर्स आ रहे थे। कौन कौन इंटरनल फोर्स आ रहे थे, 3 इंटरनल फोर्स, तो एक आपके पास एक्सियल फोर्स आ रहा था, दूसरा आपके पास जो आ रहा था वो शियर फोर्स आ रहा था, और तीसरा जो आ रहा था वो बेंडिंग मोमेंट आ रहा था। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके जो हैं ये इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल, ये जो तीनों हैं ये तीनों आपके पास इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। तो आपके पास 3 इंटरनल फोर्स इस तरीके से आ रहे थे। यदि आप किसी भी 3D मेंबर को कट करें, आपके पास कोई 3D मेंबर है, 3D मेंबर को कट करें, उसमें 3 की जगह 6 फोर्स आपको आएंगे, ठीक। 6 फोर्स कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि 3D का मतलब होता है वो तीनों डायमेंशन में है। तो एक 3 तो आपके जो वो आ रहे थे वो आ ही रहे थे, साथ ही साथ आपके पास मोमेंट भी 3 आपके पास आ जाएंगे, तो बेसिकली 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों का फार्मूला हो जाएगा DS के लिए क्या हो जाएगा, 6C। क्यों, क्योंकि 3D भी किसी भी 3D मेंबर को कट करने के बाद उसमें 6 फोर्सेस आएंगे, ठीक। 3 फोर्सेस आपके आएंगे, जैसे FX, FY मीन्स X डायरेक्शन में फोर्स आएगा, Y डायरेक्शन में आ सकता है, साथ ही साथ Z डायरेक्शन में आएगा,
और इसके बाद ये आपके पास जो तीनों मोमेंट है, तीनों मोमेंट आ जाएंगे, तो छह बेसिकली आपके पास इसमें फोर्स आएंगे। छह फोर्स आपके कौन कौन से होंगे, एक्सियल फोर्स होगा, सीयर फोर्स होगा और बेंडिंग मोमेंट होगा। ये तीनों जो हैं ऐड करेंगे तो ये पूरे आपके छह आएंगे, और माइनस वही रहेगा आपका पुराना नंबर ऑफ रिएक्शंस एडेड टू मेक इट स्टेबल कैंटिलीवर। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे कितना कट लगाने की ज़रूरत है। तो इसको आप यहाँ से कट करिए, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट। चार कट लगाने के बाद ये अलग अलग आपका मेंबर जो है ये कैंटिलीवर हो जाएगा। जैसे इसको कट, जैसे इस वाले को कट किए हैं, यदि इसका हम यह बीडी बनाना चाहें तो इसका यह बीडी कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये जो कट हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, इस वाले पोर्शन का यह बीडी है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को दिखेगा। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है स्टेबल कैंटिलीवर है, स्टेबल कैंटिलीवर है। तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गए, 6 × कट कितने हम लोग लगा रखे हैं, 4 कट लगा रखे हैं, माइनस माइनस यहाँ पे कोई भी आपको सपोर्ट रिएक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना तो किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये फिक्स्ड सपोर्ट है, लेकिन ये आपका मूव करेगा। ठीक, ये आपका जो है ये मूव करेगा आपका इस डायरेक्शन में। ठीक, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रुका हुआ है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में रुका हुआ है। एक डायरेक्शन में सिर्फ इसके पास सपोर्ट रिएक्शन है, बाकी अब पांच डायरेक्शन में आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, पांच डायरेक्शन में आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही आपके पास जो सपोर्ट आ रहा था सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, पांच आपको ऐड करना है। तो इसमें आपको कितने ऐड करने हैं, 5 ऐड करने हैं, यहाँ पर आपको 5 ऐड करने हैं, यहाँ पे आपको कितने ऐड करने हैं। यहाँ पे देखिए जो हम लोगों के पास आ रहा था, एक आप इस डायरेक्शन में देख लें, मीन्स वर्टिकल एक सपोर्ट मिलेगा, दूसरा एक आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलेगा। ठीक, एक वर्टिकल मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा, एक आपका जो जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक, जेड डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, 3 आपको ऐड करना होगा। 3 आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, तीनों आपको ये मोमेंट ऐड करने पड़ेंगे, मोमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको 3 ऐड करने हैं, 3 आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, तीनों आपके मोमेंट रिएक्शंस होंगे। यहाँ पे क्या होगा, सेम ये वाला कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास, 5 + 3 + 5, तो ये आपके पास आ गया 24 माइनस 8, ये हो गया आपके पास 13 11, मीन्स इसका जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकल के आ गई, ये 11 11 निकल करके आ गई। अब DSE कैलकुलेट करें तो DSE सेम वैसे ही कैलकुलेट हो जाएगा जैसे पीछे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप DSE कैलकुलेट करें और कमेंट में आंसर दें, और साथ ही साथ DSI को कैलकुलेट करें और इसका भी आप आंसर दें। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किनेमैटिक इंडिटर्मिनेसी, आज हम लोग किनेमैटिक इंडिटर्मिनेसी को समाप्त कर देंगे, और साथ ही साथ ये आपका यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर होगा आज। इसके बाद फिर हम लोग ट्रस का एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसे अभी ज़्यादा टाइम कुछ हुआ नहीं है, अभी आपके 23 मिनट हुए हैं सिर्फ और सिर्फ।